हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में यही प्रश्न आने वाला है 100%। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न पहला दिया है कि यदि किसी लवण का अम्लीय विलयन बेरियम क्लोराइड के साथ सफेद अवक्षेप दे तो लवण में अम्लीय मूलक है। ये ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, दिया है सल्फेट, बी ऑप्शन दिया है कार्बोनेट, और सी ऑप्शन दिया एसिटेट, और डी ऑप्शन दिया नॉन, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पहला दिया है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सल्फेट आयन इसमें आपका उपस्थित होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर दूसरा दिया है कि कार्बोनेट के लवण की तनु H2SO4 के साथ क्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ए ऑप्शन दिया है SO2, बी ऑप्शन दिया है CO2, सी ऑप्शन दिया है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी ऑप्शन दिया है SO3 सल्फाइड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है कि कार्बोनेट के लवण, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम कार्बोनेट के लवण क्या होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ले लेंगे, हम सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे Na2CO3 प्लस में, इसके साथ किससे अभिक्रिया कराएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला है तनु H2SO4 से जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से आपका सोडियम सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आपका बनाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, और प्लस में देखिए यहाँ पर बचा है CO3, यहाँ पर बचा H2, तो आपका बना लेगा फ्रेंड्स CO2, और प्लस में H2O जल बना लेगा। तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे आपका निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका दूसरा दिया है फ्रेंड्स, इसका जो आपका बी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स CO2, ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा लवण तनु HCl में नहीं घुलता। तो देखिए, ऑप्शन दिया लेड नाइट्रेट, बी ऑप्शन दिया अमोनियम क्लोराइड, सी ऑप्शन दिया कैल्शियम सल्फेट, डी ऑप्शन दिया कैडमियम क्लोराइड। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका तीसरा दिया है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लेड नाइट्रेट जो होता है फ्रेंड्स PbNO3 का ऑल्टवाइज, ये आपका तनु HCl के साथ नहीं घुलता। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर चौथा है कि नाइट्रेट के परीक्षण में भूरा छल्ला है, तो ये ऑप्शन दिया फेरस नाइट्रेट, और बी ऑप्शन दिया फेरस सल्फेट NO, सी ऑप्शन दिया फेरस नाइट्राइट नाइट्रेट। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, नाइट्राइट है आपका फेरिक, ये आपका फेरस नाइट्रेट है, यहाँ पर आपका तीन आयन दिया है, इसका फेरस का तीन यहाँ पर वैलेंस दिया है, तो फेरिक नाइट्रेट है, और डी ऑप्शन दिया है Fe2SO4 का होल थ्राइज फेरिक सल्फेट। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका चौथा दिया है फ्रेंड्स, इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, फेरस सल्फेट NO। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर पाँचवा, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर पाँचवा दिया है कि निम्न में से कौन सा यौगिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आसानी से विलय है, यानी कि इसमें आसानी से घुल जाता है। देखिए, ऑप्शन दिया सिल्वर क्लोराइड AgCl, बी ऑप्शन दिया सिल्वर ब्रोमाइड, और सी ऑप्शन दिया AgI सिल्वर आयोडाइड, और डी ऑप्शन दिया SbO। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पाँचवा दिया है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। देखिए, जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है फ्रेंड्स, या आपका जब सिल्वर क्लोराइड से जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से आपका क्या बनाएगा फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH प्लस में अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। तो देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका पांचवा दिया है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर सिक्स, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रश्न नंबर सिक्स दिया है कि निम्न में से कौन सा लवण अमोनियम ऑक्सलेट के साथ सफेद अवक्षेप देता है। तो ए ऑप्शन दिया कैल्शियम क्लोराइड, बी ऑप्शन दिया बैरियम क्लोराइड, और सी ऑप्शन दिया मैग्नीशियम सल्फेट, डी ऑप्शन दिया अमोनियम क्लोराइड। देखिए, जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका सिक्स दिया है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन या नम सिल्वर ऑक्साइड AgOH के साथ गर्म करने पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया NaOH, बी ऑप्शन दिया एथिल अल्कोहल, और सी ऑप्शन दिया CO3, और डी ऑप्शन दिया है एथिलमीन। तो एथिल ब्रोमाइड को देखिए फ्रेंड्स, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है C2H5Br। इसकी क्रिया फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaBOH से के जलीय विलयन या नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है। जब इसको हम जब गर्म करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका क्या प्राप्त होगा। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेवन दिया है, यहाँ से देखिए C2H5 दिया है, यहाँ पर आपका OH दिया है, तो C2H5OH बना लेगा। तो जो देखिए, जो आपका बी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन, ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर एट, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर एट दिया है कि क्षारीय मूलकों को निम्न में से कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो ए ऑप्शन दिया है 7, बी ऑप्शन दिया 8, सी ऑप्शन दिया 4, डी ऑप्शन दिया है 5। देखिए फ्रेंड, जो आपका मूलक होते हैं वो आपका दो होते हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। तो जो आपका क्षारीय मूलक होता है फ्रेंड्स, ये आपका 7 प्रकार का होता है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर आठवा दिया है फ्रेंड्स, इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस मूलक का तनु HCl में विलयन पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ गहरा नीला रंग देता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ऑप्शन दिया Pb+2, और बी ऑप्शन दिया Al+3, सी ऑप्शन दिया Ca+2, और डी ऑप्शन दिया Fe+3। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 दिया है फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, Fe+3। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10,
देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि एक लवण के अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करने से नारंगी अवक्षेप आता है, तो लवण में उपस्थित क्षारीय मूलक है। तो देखिए, ए ऑप्शन दिया कैडमियम, बी ऑप्शन दिया एंटीमनी, सी ऑप्शन दिया बिस्मिथ, डी ऑप्शन दिया है लेड। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 दिया है फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बिस्मिथ। क्या होता है फ्रेंड्स? बिस्मिथ होता है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि एक समबाहु प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है अंडर रूट 3 है, तो इसका न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम का मान हमको बताना है फ्रेंड्स कि क्या होगा। तो ए ऑप्शन दिया 30 डिग्री, बी ऑप्शन दिया 45 डिग्री, सी ऑप्शन दिया 60 डिग्री, डी ऑप्शन दिया 75 डिग्री। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, यहाँ देखिए फ्रेंड्स समबाहु, देखिए समबाहु यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या होती है फ्रेंड्स, बराबर होती हैं। जब समबाहु त्रिभुज लेंगे फ्रेंड्स ए बी सी, तो इसके प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री को हो जाएगा। तो प्रिज्म कोण आपका, प्रिज्म कोण का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद से बोला है कि इसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक एन का मान दे दिया फ्रेंड्स, कितना दे दिया अंडर रूट 3। तो हमको प्रिज्म कोण यानी कि न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एन बराबर होता है फ्रेंड्स कि साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, और अपान में क्या होता है फ्रेंड्स कि साइन ए बाई 2 होता है। तो यहाँ देखिए, अपवर्तनांक एन का मान कितना दे दिया फ्रेंड्स, अंडर रूट 3 इजक्ल टू हो जाएगा साइन ए का जो होगा कितना रखेंगे 60 डिग्री, क्योंकि प्रिज्म कोण ए का मान हो जाएगा 60, और प्लस में हो जाएगा डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2, और पूरे के बटे में यहाँ से हो जाएगा साइन ए का जो होगा कितना रखेंगे 60 बटे में 2। अब देखिए, इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 3 और गुणे यहाँ से कितना हो जाएगा 30, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और इजक्ल टू हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से साइन 60 प्लस में डेल्टा एम और बट्टे में 2। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 और गुणे साइन 30 का मान होता है फ्रेंड्स 1/2, इजक्ल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री और प्लस में डेल्टा एम डिवाइडेड बाई में 2। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स अंडर रूट 3 बाई 2 इजक्ल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री और प्लस में डेल्टा एम बट्टे में 2। देखिए फ्रेंड्स, अंडर रूट 3/2 जो होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा अंडर रूट 3/2। तो इसके जवाब हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इजक्ल टू हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस में डेल्टा एम और बटे में 2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दोनों तरफ क्या है साइन हो गया, तो यहाँ से क्या करेंगे कि 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 डिग्री और प्लस में डेल्टा एम और बटे में क्या हो जाएगा 2। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी को हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि 60 डिग्री और प्लस में 60 डिग्री बटे में 2 इजक्ल टू में यहाँ से हो जाएगा डेल्टा एम बटे 2 इजक्ल टू में 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 30 हो जाएगा और प्लस में डेल्टा एम बटे में 2 हो जाएगा, और इधर दिया आपका 60 डिग्री। तो 60 में जब 30 को जब पछांतर करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा डेल्टा एम बाई 2, और डेल्टा एम का जब मान ज्ञात करेंगे तो 2 का 30 में गुणा कर देंगे कितना जाएगा 60 डिग्री। तो डेल्टा एम का मान कितना आ गया फ्रेंड्स 60 डिग्री। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 दिया है फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 60 डिग्री। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 अथवा 3/2 है, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो देखिए, ऑप्शन दिया 2, बी ऑप्शन दिया 17/16, और सी ऑप्शन दिया 9/8, डी ऑप्शन दिया 8/9। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में क्या बोला है कि वायु के सापेक्ष जल ANG, और उसके बाद से बोला है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दे दिया। देखिए, क्रमशः आपको कितना दिया है 4/3 और 3/2 दे दिया है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी कि WNG का मान हमको ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो ANW का मान दे दिया फ्रेंड्स 4/, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कितना दे दिया है 4/3 दे दिया है, ANG का मान दे दिया 3/2। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसका जो रिलेशन होता है WNG का वो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। तो इसको सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ऊपर यन नीचे यन लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमको जी दिया है यहाँ पर, WNG का मान ज्ञात करना है, तो जी यहाँ पर लिख देंगे, और W यहाँ पर दिया है इसके साइड में, तो यहाँ पर लिख देंगे W। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे कि ए यहाँ पर हो जाएगा ANG अपान में, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आप हो जाएगा ए, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हो जाएगा W। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखिए आपका दे दिया ANW का मान दे दिया फ्रेंड्स ANW हो जाएगा। तो WNG का फॉर्मूला हो जाएगा ANG अपान में ANW। तो ANG का मान देखिए कितना दिया, ANG का मान दिया 3/2 और बट्टे में ANW का मान दिया है 4/3। अब देखिए क्या करेंगे, 3 का 3 में गुणा कर देंगे और 4 का 2 में, तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स 3×3 और बट्टे में 4×2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3×3 का 9 और बट्टे में क्या हो जाएगा 8। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 दिया है, इसका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 9/8। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13।
एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव में गुजरती है तथा 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो उस द्रव का अपवर्तनांक होगा। ये ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स दिया अंडर रूट 2 बटा 3 और बी ऑप्शन दिया अंडर रूट 3 बाई अंडर 2 और सी ऑप्शन दिया अंडर रूट 3 बाई 2 और डी ऑप्शन दिया साइन 60 डिग्री बटा में साइन 30 अंश। देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका यहाँ पर 13 दिया है इसको देखिए फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक प्रकाश की किरण वायु से होकर द्रव में गुजरती है तथा 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, आपतन कोण किससे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि आई का मान कितना दे दिया है फ्रेंड्स, 60 डिग्री दे दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं स्नेल का जो नियम होता है एन बराबर वो आपका क्या होता है कि साइन आई बाई में साइन आर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आई का मान हमको दे दिया है तो आर का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए आर का मान क्या करेंगे कि 60 डिग्री में से यहाँ पर देखिए क्या बोला है फ्रेंड्स कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक और यहाँ पर देखिए 15 डिग्री से क्या कर रहा है फ्रेंड्स, विचलित कर रहा है, तो 60 में से 15 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपका आर का मान आ जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा फ्रेंड्स, 45 डिग्री हो जाएगा। आर का मान कितना हो गया फ्रेंड्स, 45 डिग्री। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से द्रव का अपवर्तनांक हम ज्ञात कर लेंगे तो एन बराबर देखिए क्या हो जाएगा, एन बराबर साइन ए, यहाँ देखिए साइन आई का मान कितना दिया है 60 डिग्री और बट्टे में साइन आर का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 45, यहाँ पर लिख देंगे 45 डिग्री। अब देखिए साइन 60 अंश का जो मान होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है अंडर रूट में 3/2 और बट्टे में देखिए साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। अब देखिए अंडर रूट 2 का अंडर रूट 3 में गुणा कर देंगे तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 और अपान में 2 को लिख सकते हैं फ्रेंड्स अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, क्योंकि अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 का मान होता है फ्रेंड्स 2, तो अंडर 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स अंडर रूट 3/√2। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 13 दिया है फ्रेंड्स इसका जो आपका बी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स ये आपका राइट हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर 13 दिया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 14। देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका देखिए यहाँ पर 14 दिया है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.414 तथा प्रिज्म का कोण है 60 डिग्री, यदि प्रकाश किरणें सममित गमन करती हैं तो आपतन कोण होगा। देखिए फ्रेंड्स कैसे ज्ञात करेंगे, ए ऑप्शन दिया 30 डिग्री 61 मिनट, बी ऑप्शन दिया 30 डिग्री, सी ऑप्शन दिया 45 डिग्री, डी ऑप्शन दिया 53 डिग्री 8 मिनट। देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका यहाँ पर 14 दिया है फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि यदि प्रकाश किरणें सममित गमन करती हैं, देखिए फ्रेंड्स जब भी आपका सममित गमन करेगा तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि एन का जो सूत्र होता है अपवर्तनांक एन का मान वो आपका हो जाता है फ्रेंड्स साइन आई अपान में साइन ए बाई टू होता है। ठीक है फ्रेंड्स ए बाई टू। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि यदि किसी प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक एन का मान 1.414 दे दिया है और तथा यहाँ पर बोला है कि प्रिज्म का कोण ए का मान दे दिया 60 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स साइन आई अपान में साइन हो जाएगा फ्रेंड्स 60 डिग्री बटे में 2। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, एन का मान दे दिया 1.414, तो देखिए साइन इसको जब डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, तो इधर आकर गुणा हो जाएगा तो 1.414 गुणे साइन 30 अंश मान होता है फ्रेंड्स 1/2 इक्वल टू में हो जाएगा साइन आई। ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स इसी को हम लिख सकते हैं कि साइन आई बराबर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा और 1.414 किसका मान होता है फ्रेंड्स, तो आपका अंडर रूट 2 का मान होता है और बट्टे में क्या दिया है फ्रेंड्स यहाँ से आपका दिया है 2। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 2 अपान में 2 को लिख सकते हैं फ्रेंड्स अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपका साइन आई का मान आ गया 1/√2 क्या आ गया फ्रेंड्स 1/√2। अब देखिए साइन आई 1/√2 किसका मान होता है फ्रेंड्स, तो आपका देखिए साइन आई बराबर हो जाएगा साइन 45 डिग्री का मान होता है, तो आई का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका आ जाएगा 45 डिग्री, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 14 दिया है फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15 देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 15 दिया है फ्रेंड्स यहाँ पे कि निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक लंबी होती है, तो ऑप्शन दिया हरा रंग, बी ऑप्शन दिया पीला रंग, सी ऑप्शन दिया बैंगनी, डी ऑप्शन दिया लाल रंग। देखिए जो आपका प्रश्न नंबर जो आपका 15 दिया है फ्रेंड्स इसका देखिए जो आपका डी ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स इसका आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया प्रश्न नंबर 16 श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं, तो ऑप्शन दिया 3, बी ऑप्शन दिया 4, सी ऑप्शन दिया 5, डी ऑप्शन दिया 7, तो इसका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 7। चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको 16 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया है जो कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।